इसी के बाद, क्योंकि हम हनुमान जी पे बात कर ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि देखो, हमने ना किष्किंधा कांड के बारे में और सुंदरकांड के बारे में, सुंदरकांड पाठ तो आप करते ही हैं, सबको पता है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे कि किष्किंधा कांड में ना हनुमान जी की मतलब शुरुआत होती है, वहाँ पे उनकी एंट्री होती है, ठीक है, तो उससे पहले हनुमान जी की यात्रा क्या रही, कुछ है इस बारे में बताया गया? देखिए, हनुमान जी की यात्रा सबसे पहले तो बालपन से ही प्रारंभ हो जाती है जी। अंजनी माँ के लाल हैं श्री हनुमान जी, और बालपन से जरठ में लगी अगन की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि जान लाल फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोग भयो अंधियारो, ताई सुतरास भयो जग को ये संकट का जाओ काउसो जात न टारो। तो जब हनुमान जी ने वहां छलांग लगाई और जाकर के रवि को ही बचपन में ही खा लिया, बचपन में ही निकल गए, ये कथा बालपन की हनुमान जी की सब जानते हैं जी। हाँ, जानते हैं। उसके बाद एक कथा ये मिलती है कि हनुमान जी ऋषि मुनियों की सामग्री उठा उठा करके फेंक देते थे इधर उधर, तो ऋषि ने कहा जा तू सब भूल भाल जाएगा जी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को सात कांड में से किष्किंधा कांड तक समझा, हारे हनुमान जी अभी भूले बैठे जी। तो तुलसीदास जी नहीं भूले हनुमान जी को, लेकिन ऋषि मुनियों ने उनको उनकी शक्ति भुला दी थी। तो हनुमान जी ने कहा जब वो तुलसीदास जी ने मानो, मुझे तो ये लगता है, मेरा अपना मत है, इस पे कोई कोई सहमत ना हो, मेरा अपना मत है, जिस नजरिए से मैं देखता हूँ जी। तुलसीदास जी ने सोचा अच्छा अभी तो हनुमान जी भूले ही बैठे, तो भूले बैठे ना, ठीक है, तो जब याद कब आएगी शक्ति, जब कोई याद दिलाएगा। तो समुद्र के तट पर किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी महाराज बैठे मौन बैठे करने का काम है, तब जामवंत जी ने जब कहा जामवंत कहे तुम सब लायक, बटे एक में सब ही करना है, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, चुप पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निदाना, चुप खवन सुखाज कठिन जग माई, जो नहीं होई ता तुम भाई चुप, जैसे कहा राम ला काज लगी तो अवतारा, एक पांव दबाया तार तार तार, जय श्री राम जय श्री राम, एक विशाल जैसे सोने की देह खड़ी हो जाती है। तो हनुमान जी ने सोचा जब इनको ही अपनी शक्ति जब राम काज के लिए अभी याद आनी है, तो मैं भी अभी याद कर लेता हूँ। लेकिन हनुमान जी का रोल बचपन से, वो कुछ ना कुछ लीलाएं तो उनकी चलती रही, अन्य ग्रंथों में वो सब मिलता है। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तभी प्रवेश हुआ जब राम और लक्ष्मण जी माँ जानकी को ढूंढते हुए खोजते हुए घूम रहे, और वहां सुग्रीव ने देखा, तो सुग्रीव हनुमान जी का ईश है जी। देखो हनुमान जी बंदर है, बंदर का कपी हाँ, और हम हनुमान चालीसा पढ़ते जय कपीश, कपीश कपीश मतलब बंदरों का ईश, बंदरों का ईश। तो हनुमान जी नौकरी कर रहे हैं सुग्रीव के यहाँ, नौकरी का मतलब या मित्रता मान लीजिए, यानी कि सुग्रीव के नीचे रहते हैं, उसके सचिव के रूप में जी। फिर जब हनुमान जी ने इतना सब कौतुक किया था ना, तो ये कपीश की उपाधि सुग्रीव ने दी, कहे बारे मैं कपीश नहीं हूं, कपीश तो आपको होना चाहिए, कपीश तो आप, कपीश किसने बनाया, सुग्रीव ने। तो इस समय तो हनुमान जी सुग्रीव के नीचे ही काम कर रहे हैं। तो सुग्रीव ने कहा जाओ देख कर आओ, जाओ देख कर आओ, क्योंकि बाली किसी ना किसी रूप में अगर आ गया, किसी ना किसी को भेज दिया, मुझे मार देगा। यही फर्क है सुग्रीव और पार्वती माता में, सती माता में। एक प्रसंग है सती माता जब शंकर जी के साथ कथा सुनकर के चली, तो वहां शंकर जी ने राम और लक्ष्मण को भटकते हुए देखा, सीता सीता तुम देखी सीता मृगनयनी। तो वहां सती माता को संदेह हुआ, जब शंकर जी ने प्रणाम किया जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन, तो वहां सती माता ने कहा शंकर जी से आप बैठो मैं देख कर आती हूं, और यहां सुग्रीव ने क्या कहा मैं बैठा हूं आप देख कर आओ, देख कर आओ। ये फर्क है सुग्रीव और सती में। हनुमान जी भी गुरु हैं और शंकर भी गुरु हैं। सती माता से गलती ये हो गई कि वो गुरु के बिना भगवान का दर्शन करने चली गई, तो माया में फंस गई जी। सुग्रीव इसलिए जीत गया क्योंकि उसने अपने गुरु को आगे किया, स्वयं पीछे हो गया जी। तो पहली बार किष्किंधा कांड में ही यहां से हनुमान जी का प्रवेश हुआ। विप्र रूप धर कपित गए हो,
मात नाई पूछत अस भयऊ, ये पहली चौपाई प्रवेश करती है किष्किंधा कांड से।